सो हे गाइस, वेलकम टू द कमेंट्स की रसोई से एपिसोड 1 एंड वेलकम बैक। अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हैं तो भाई कुछ तो गलत नस खींच दी है मैंने इस वीडियो में। पहले तो मैं पूछ के थक गया, तब तो बताया नहीं, और अब जब बताए हैं तो इतने बता दिए हैं कि मैंने सोचा क्यों ना कमेंट सेक्शन की रसोई एक नई सीरीज शुरू करी जाए। तो उसी रसोई से पेश एकदम गर्मा गर्म स्वादिष्ट सोल्ड वर्सेस अनसोल्ड 11। तो वेट और ज्यादा नहीं कराते, इन सोल्ड वालों को तो वैसे भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला भाई, इतने जो पैसे दिए हैं। तो एडिटर साहब चला दो गेम। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आई नो तुम लोग सोच रहे होगे भाई मेरा कमेंट कब पिक होगा, तो सब पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो वो वीडियो में आगे बताता हूं, लेकिन अभी क्या कर सकते हो, जाओ भाई फटाफट से 500 लाइक करो। पिछली 2-3 वीडियो से 300 के आसपास आके अटक रहे हैं, इस पे 500 हो जाने चाहिए। तो अभी मैं तो जा रहा हूं टॉस के लिए, लेकिन तुम लोग फटाफट से मारो सब्सक्राइब और फिर आना टॉस की तरफ। पैट कमिंस सामने है, स्टीव स्मिथ, ये तो एक पुराना ही है, और जनरली मैं उस टीम के साथ खेलता हूँ जो टॉस हारती है, लेकिन आज वैसे भी अनसोल्ड के साथ ही खेलने वाला था और वही टॉस हार गए। डिफिकल्टी मिचेल स्टार्क और सामने फिन एलन तैयार। पहली बॉल क्लिक और सिंगल। तुम्हारे ओल्ड पोल्ट आइडियाज के साथ एक कमेंट जो और आ रहा था कि परी भाई प्लीज ये अपलोड भी कर दो, तो मैंने कर दी है सारी टीमें, ये वाली नहीं हुई होगी, बट इसके अलावा सारी टीम्स अपलोडेड है। जाओ एंजॉय करो पनी गेमर करके कम्युनिटी पे सर्च कर लेना भाई, मैंने रन नहीं लिया तुमको बताने के चक्कर में। पहले ओवर में 6 रन ऑलरेडी आ गए हैं भाई, श्रेयस अय्यर की तरह हो रखी है पहली विकेट तो मेरी। मुझे क्यों तोड़ा? सुनने में आ रहा है 3 T20 सीरीज लास्ट बची है अपनी वर्ल्ड कप में जगह पक्की करने की। थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे खेल दो, मैं भी थोड़ी सी फुटेज भेज दूंगा ऑस्ट्रेलियन टीम को। पैट कमिंस सामने है, फिल सॉल्ट, नमक हमारा हराम होता है कि इनका शुरुआत तो कर दी है फिल सॉल्ट ने। एक कप्तान है बॉलिंग कर रहा है, दूसरा कप्तान नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। वॉट अ बैटल, अलग एशेज चल रहा है भाई यहाँ पे। सामने ऑस्ट्रेलिया का बॉलर पीट रहा है इंग्लैंड का बैट्समैन। जब तक रन जा रहे हैं भाई बहुत अच्छा लग रहा है ये बात तो सही है। 22 रन 1.3 ओवर्स। ओरे एक और एज। डोंट डू दिस भाई। फिल सॉल्ट ऑन स्ट्राइक, सामने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस की तो धागे खोल दिए थे यॉर्कर। ओ माय और मिचेल स्टार्क पैन नीली से गीली करते हुए एक और बॉल डालने आए हैं, लेकिन ये भी बॉल जाएगी बाउंड्री के लिए, एक और चौका। उमर जाई बॉलिंग ऑलराउंडर थोड़ी है, बैटिंग ऑलराउंडर है भाई, इसको क्यों दे रहे हो? फिर ले आओ जाके, तो अब नहीं कराओगे तो फिर यही होगा ना। शार्दुल ठाकुर इज इन टू द अटैक। अरे स्मिथ की तो दाल ही नहीं गली अभी तक। मजा आ गया भाई, लेकिन अब खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई है। इस वीडियो में याद है ना जब शार्दुल ठाकुर को रन्स पड़ते हैं वो विकेट लेता है। मुझे एक और चीज बताओ कमेंट सेक्शन में जाके कि क्या हमें थोड़े से रूल्स। अरे यार वो तो उसकी 50 होने वाली थी यार। सरफराज देखो, हो सकता है जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो किसी टीम ने साइन कर लिया हो, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है टीमें जा रही हैं सरफराज के पास अब साइन करने के लिए। स्मिथ भैया अब आप हो सेट, सरफराज के ऊपर मैं प्रेशर नहीं आने दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैं विकेट आने से पहले ये पूछ रहा था कि क्या ये रूल को चेंज कर दिया जाए कि एक ओवर में 2 बाउंसर अलाउड हो, क्योंकि IPL में भी अब तो 2 बाउंसर अलाउड है। कमेंट्स में बताना मेरे को जाके तुम लोग क्या चाहते हो। और जो वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा था कि तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम्हारा आइडिया फटाफट से उठा लूं, पूरा विकेट कवर करके खड़े हैं शार्दुल ठाकुर। 126 स्लोअर बॉल पे आ गया भाई वो। 140 150 के आसपास मुझे कुछ टारगेट देना है ताकि बिल्कुल ही रूल आउट कर दे इनको। जो पहले काफी टाइम से फॉलो कर रहा है वो जानता होगा कि अगर ये मिड जिमी आ जाओ 82/3 6.5 ओवर के बाद जिमी भाई आते ही चौके के लिए गए जरूर थे लेकिन मिल नहीं पाया। एंड दैट इज द एंड ऑफ शार्दुल ठाकुर का स्पेल। अबे ये बदसलू की बाकी है हमारे साथ में, पिन तो अभी आई है। बहुत बढ़िया, थैंक यू रॉबिन मिंस, इनको धोनी कहा जाता है, कहते हैं बस, कहते तो मुझे भी हग्गू है हूँ थोड़ी। हमारी हालत उसको सांस तो लेने दे बे। अंग्रेजी सही करने आए थे भाई, हैट्रिक पे आ गया बलविंदु हसरंगा। 2 बॉल 2 विकेट, ये क्या ओवर गया है भाई, रन आए हैं एक भी नहीं, विकेट गई है 2-2। चलो फाइनली रन आए। पहले कमेंट सेक्शन की रसोई से गर्मा गर्म बर्गर आया है तुम्हारे लिए भाई, ओवर बड़ा बनाना है। बहुत बढ़िया भाई, ना स्पिनर से खेला जा रहा है ना पेसर से खेला जा रहा है, नहीं खेला जा रहा है। फिर से नहीं खेला जा रहा है, हटा दो कॉमा, हटा दो, पुल स्टॉप लगा दो लास्ट में।
ये गैप में है, ये गैप में है, लेकिन कितनी तेजी से गई है उतनी जल्दी बाउंड्री डिटरमाइन करेगी भाई, उसको होश ही नहीं है। 6-6-0-4-4 आखिरी गेंद बची है मेरे यार, 129 का टारगेट है इसी के साथ में। तो नई बॉल के साथ तो थोड़ा मजा आने वाला है, लेकिन असली मजा तो सबके साथ आता है। तो जुड़ जाओ फटाफट से, 5555 सब्सक्राइबर्स करते हैं और एक पनी आर्मी को बड़ा बनाते हैं। पिछली 2-3 वीडियोस से भाई थोड़ा सा रह रहा है, तो 500 लाइक मारो फटाफट से अभी के अभी जाके। सामने है वो जिससे हमारी नहीं बनती है बिल्कुल भी, ट्रेविस हेड। एडम मिलने फर्स्ट बॉल, फील्डिंग मेरे को ठीक लग रही है क्योंकि मेरे को लेग में ही फसाना है। जख्म भरेंगे तो तब ना जब वक्त मिलेगा, हर थोड़ी देर में तो ये सामने आ जाते हैं भाई। जब ग्रासी पिच है तो मैं फुल लेंथ दूंगा, तो यही होगा भी वही हो रहा भाई। और जो मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था फटाफट से बता देता हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी वीडियो पहले ले लूं तो इस वीडियो के भी कमेंट में वही सेम आइडिया डाल दो, और जिसके सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसकी सबसे पहले वीडियो उठा लेंगे। अगर आप लोगों के पास सजेशन नहीं भी है तो भी जाओ कमेंट सेक्शन में जाकर देखो कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मारो उसको फटाफट से लाइक। देखो टेस्ट मैच हमें क्या सिखाता है, सेटअप करो और मजे करो, गेट द हेल आउट ऑफ माय पिच। ऐसा आते ही बोल दिया हेजलवुड ने, मैं नहीं बोल रहा भाई। और आ गए हैं भाई समीर रिजवी 3 नंबर पे। जिमी बैटिंग में तो बहुत बढ़िया किया है भाई, बस उसी का ही रेप्लिकेशन थोड़ा सा जरा सा आधा किलो यहाँ पे भी करके दिखा दो। तब्रेज शमसी, राजस्थान ने लिया था लास्ट इसको, उसके बाद तो पता नहीं ये कहां ही गायब हो गया आईपीएल से। ओ अच्छी बॉल, फील्ड वायर में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है ताकि हम रन खा सकें। और क्यों करते हैं हम, बात तो सही है। गॉन, चलो बाहर निकलो। शमसी भाई स्ट्राइक्स, I still cannot believe it, ट्रेविस हेड सिर्फ 17 रन बना के गया हमारे सामने, क्योंकि विकेट भी इसी फील्ड से मेरे को लगा अंदर है। मिचल को मिचलाने के लिए डाल दी है एक शॉट बॉल, आए हाय 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 शाबाश। तो कमी नहीं ना अभी, 61-29 यार, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यहाँ से। जैसी ये रिजवी ने हालत कर दी है ना, मेरे को तो वो रील याद आ रही है, मेरी जीत भी ले जा मेरी हार भी ले जा, प्लीज ये दोनों ले जा लेकिन तू आउट हो जा। बट यार अच्छी इनिंग्स यार, भले ही वो बटलर वाली सिचुएशन में हो कि शेम इट्स कमिंग अगेंस्ट अस, बट रियली लव्ड इट। ब्रेसवेल से एक करवा रहा हूँ, इसके बाद मिलने और हमारे पास में एक छक्का है भाई, छक्का है। इनके बल्ले पे लग के तो ऐसे जा रही है जैसे टेनिस बॉल से खेल रहे हैं ये लोग। ये पकड़ सकता है तो भाई पकड़ ले प्लीज, उसको पता ही नहीं है कि बॉल आ रही है उसकी तरफ। हेजलवुड 19 रन है भाई, अगर इस ओवर में कुछ कर गया तो कुछ हो पाएगा। मिलने के लिए थोड़े से तो रन छोड़ने पड़ेंगे मेरे को। एंड पहली बॉल ऑफ द स्ट्राइक हो गया रिजवी, और जो आया है स्ट्राइक पे वो कम है क्या। पकड़ वो चौका खाके सबक तो ले लिया है शायद से, विकेट आ गई थी यार, पीछे खड़ा हुआ था फील्डर मेरा। चौके के अलावा अभी तक तो यही मेरी आखिरी उम्मीद है भाई, कुछ हो सकता है तो इसी फील्ड से हो सकता है पहली बॉल डॉट। रिजवी आ गया है स्ट्राइक पे भाई, ये भी एज। मैंने एक फील्डर लगा दिया भाई लेग से लेके पूरी बात। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ समीर रिजवी से कि मैंने उसको पिछले गेम में रन आउट करा दिया था। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है वो एपिसोड, और अगर वो पसंद आए तो ये पूरी प्लेलिस्ट उसी की है। तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, कमेंट सेक्शन की रसोई का अगला एपिसोड इसी कमेंट सेक्शन से उठाया जाएगा, तो इस वीडियो के नीचे फिर से डाल देना, और जिसके सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो टॉपिक उठा के अगली वीडियो ले आएंगे। फटाफट से मिल जाऊंगा इन्हीं तीनों किसी जगह में से एक में, तब तक के लिए।